हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भिंडी के पौधे अपने घर पर अपने गार्डन के अंदर किस प्रकार से ग्रो करें इसके बारे में बात करने वाले हैं और कौन कौन सी खाद और क्या सावधानी हमें भिंडी के पौधे ग्रो करते समय रखनी चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले भिंडी के पौधे ग्रो करने के लिए आपको मार्केट से अच्छी कंपनी का सीड्स लेके आना चाहिए और इन सीड्स को आप लगभग एक फिट की दूरी पर हमें एक एक सीड्स लगाना चाहिए, जिससे कि यह पौधे 7 से 8 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। और ये अभी आप देख पा रहे हैं, यह 15 दिन बाद का रिजल्ट है। जो पौधों के अंदर बहुत ही अच्छे पौधे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर हमें खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। और इन पौधों के अंदर खाद की बात करें तो हमें हल्की गोबर की सड़ी गली खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद हमें इन्हें 15 से 20 दिन के अंतराल पर देनी चाहिए। जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये हमने पहले ही ग्रो कर दिया था और यह 1 महीने का पौधा है और जिसके अंदर देखिए छोटी सी भिंडी भी लगना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर छोटी सी भिंडी और आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी भिंडियाँ हमें पौधे के ऊपर देखने को मिलेंगी। और जो हमने इधर ग्रो कर रखे हैं उनके अंदर भी बहुत ही अच्छी भिंडियाँ हमें देखने को मिलेंगी भिंडी के पौधे के अंदर। और ये देसी भिंडी का पौधा है, जो कांटेदार भिंडियाँ होती हैं उसका पौधा है। यहाँ एक पौधा हमने पहले ही सीड्स ग्रो करके देखा था, वो ग्रो कर दिया था और बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है और इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त हरे भरा पौधा है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। और इधर जो लगाए हुए हैं ये छोटे पौधे हैं जो हमने बाद में ग्रो किए थे और इनके अंदर भी किसी प्रकार का रोग नहीं है। और जो ये बड़े होंगे इनके अंदर ढेर सारी देसी भिंडियाँ हमें हमारे घर पर तैयार हुई मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है कि बरसात के दिनों के अंदर भिंडियाँ हमें मार्केट के अंदर 60 से 70 रुपये किलो की मार्केट प्राइस में ख़रीदनी होती है। तो यदि आप अपने घर पर भिंडियाँ लगाते हैं तो फ्री के अंदर भिंडियाँ अपने ताज़ा भिंडियाँ अपने पौधे से ले सकते हैं और उनकी सब्ज़ियाँ बना सकते हैं।